की मीटिंग हुई और इसमें बहुत अच्छी मीटिंग रही। दो तीन चीज़ें सामने आई। सबसे पहली बात तो देवनारायण योजना इज इन टैटर्स एंड इट इज़ कम्प्लीटली इन शैम्बल्स। कुछ कार्य नहीं हो रहा। 13,448 स्कॉलरशिप सरकार के एंड पे पिछले 3 साल से पेंडिंग है, उन बच्चों का क्या होगा। कुछ कुछ स्कूल्स ऐसे हैं गुरुकुल योजना में जहां पर हमारे पास रिपोर्ट आई है कि स्कूल चल रहे हैं लेकिन बच्चे घर पर हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं और वो घर वालों को पैसे दे रहे हैं और सब अलाइनमेंट से काम हो रहा है। धौलपुर में ये खास करके आई है। जो हॉस्टल्स हैं देवनारायण योजना के, वहाँ पर वार्डन्स ही नहीं है, लेडी वार्डन्स, तो महिलाओं के साथ क्या करेंगे। बहुत सारी इश्यूज हैं। हमारी जो जो केसेस हैं लंबित हैं पिछले 2 साल से, इसका हमको डिटेल नहीं मिला है क्या पोजीशन है। निस्तारण केसेस का डिटेल कुछ नहीं पता चला। 233 पे कोई डील नहीं हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। हमारी प्रक्रियाधीन भर्तियों पर कुछ नहीं हो रहा है, बैकलॉग पे कुछ नहीं हो रहा है। सरकार को हम सिर्फ सीधी तरीके से चेता रहे हैं, या तो हमारी चीज़ों को ठीक कर दो, नहीं तो हम महापंचायत करेंगे और फिर जो करते आ रहे हैं वो हम करेंगे, फिर हमें मत कहना कि ये हुआ। दूसरी बात, गुजर आरक्षण संघर्ष समिति एक सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे काम करेगी। आज वो स्ट्रक्चर डिसाइड हो गया है। हम लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, फिर नीचे तहसील प्रभारी, पंचायत समिति प्रभारी, पंचायत प्रभारी, ग्राम प्रभारी से लेकर के बूथ तक जाएंगे और हर बूथ पर गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के 10 व्यक्ति होंगे। कारण उसका ये है कि जब तक हम जड़ों में नहीं होंगे तो हम जड़ से जुड़े हुए व्यक्ति का फायदा कैसे करेंगे। तो हम ऊपर से नीचे नहीं, हम नीचे से ऊपर तक कार्य करेंगे। इसके अंदर अलग अलग प्रकोष्ठ होंगे, फाइनेंशियल प्रकोष्ठ भी होगा, विमेन्स सेल भी होगा, IT सेल भी होगा, पूरे कार्यकारिणी हम आपको दे देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि समाज सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से वही मुकाम हासिल करे जिस मुकाम के सपने कर्नल साहब ने देखे थे। कर्नल।